मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मधुबनी के गोगडिया प्रखंड के गरवा पंचायत में स्वतंत्रता सेनानी अनंत कामत का मूर्ति अनावरण करने पहुंचे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, लोहिया जी से काफी प्रेरित थे। दरअसल मेरे पिता वैद्य थे और उनके पास काफी कांग्रेसी पहुंचते थे और वे लोहिया जी का काफी आलोचना किया करते थे और इसी कारण मेरा झुकाव लोहिया जी के प्रति हुआ। मैं अक्सर अखबारों में लोहिया जी को पढ़ने लगा और एक दिन पहली और आखिरी बार पटना गांधी मैदान में मुझे लोहिया जी को सुनने का मौका मिला, इसलिए उनका मुझ पर गहरा प्रभाव रहा है। उन्होंने लोगों को सद्भावना का पाठ पढ़ाते हुए कहा, आजकल कुछ लोग विद्वेषता की भावना को भड़का रहे हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहिए क्योंकि समाज में भाईचारा को बढ़ाने से विकास होगा। समय में सा अपन किछ राश समय निकाल कर हमरा लोकन के बीच लोकप्रिय ऊर्जावान और मिथिलांचल हम आपसे अनुरोध करता हूँ कि आने वाला समय में बिहार आपके लिए दीवाना है। आने वाला समय में बिहार को और मजबूत दृष्टि बना के, बिहार को और मजबूत विकास दे के इस देश का नंबर वन 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 राज बनाने का आपका जो भान है पूरे तरह से हमारे बिहार के जन जन लोकप्रिय नेता माननीय नीतीश कुमार जी, जो ना अति पिछड़ा पिछड़ा चाहे अकलियत हो या समाज के भाषा क्वेश्चन सूची में दिया, आज जिसका परिणाम है मिथिला भाषा के नाम से सैकड़ों हजारों लोग आईएएस आईपीएस डीपीएस पास करके। बिना बिहार का विकास संभव नहीं है, इसलिए हर क्षेत्र में काम। और आज देख लीजिए जो भी लोगों की जरूरत है उन सब चीजों के लिए काम हम लोगों ने करना शुरू किया है। मैं आप सब लोगों से यही एक अपील करूंगा कि समाज में भाईचारे का भाव होना चाहिए, सद्भावना का भाव होना चाहिए। आप कटुता मत फैलने दीजिए, समाज में प्रेम का भाईचारे का भाव होना चाहिए, सद्भावना का भाव होना चाहिए। हम किसी भी धर्म को माने, अपने धर्म के प्रति प्रतिबद्ध रहे, लेकिन दूसरे धर्म वो जो मानने वाले लोग हैं उनके प्रति भी मन में सम्मान का भाव रखना चाहिए। एक तो सामने आएगा, इस बात का ख्याल रखिए। और चूंकि